कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांग करी, तामे दोना समाही। हर भाषा कितनी खूबसूरत होती है ना, लेकिन मातृभाषा की बात ही कुछ और है। मातृभाषा जो हमारे संस्कृति की संवाहक होती है, हमारे व्यक्तित्व की पहचान गढ़ती है, ये मातृभाषा। लेकिन इस मातृभाषा में अगर लिपि ही ना हो या वर्णमाला ही ना हो तो हैरानी होती है ना कि वाकई ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के टोटो पाड़ा के समुदाय टोटो की भाषा है टोटो। लेकिन इस भाषा में हस्तलिपि ही नहीं थी, वर्णमाला तक नहीं थी। तब इस समुदाय के धनीराम टोटो ने सोचा कि ऐसा क्यों। उन्होंने इसकी हस्तलिपि तैयार की, वर्णमाला तैयार की, यही नहीं बल्कि इसमें नॉवेल्स भी लिख डाले। और अपने इन प्रयासों के जरिए वो अपनी संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं और इसीलिए तो पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। भारत भूटान सीमा पर प्रकृति की गोद में बसा गांव जलपाईगुड़ी का टोटोपाड़ा, जहां रहती है टोटो जनजाति। अब तक इनकी भाषा डेंगका की कोई लिपि नहीं थी। टोटो भाषा में केवल मौखिक लोक कथा और गान हैं। साल 2009 में यूनेस्को ने इस भाषा को संकट ग्रस्त घोषित कर दिया। इस समुदाय के धनीराम ने टोटो संस्कृति और इसके इतिहास को बचाने की ठानी। 2005 से धनीराम ने डेंगका की लिपि पर काम करना शुरू किया। धनीराम ने एक नई वर्णमाला और व्याकरण की रचना की। इस वर्णमाला का प्रयोग कर दो पुस्तकें लिखी, धनुआ टोटो की कोठमाला और द्वेमरा थित्रे। वे डेंगका भाषा में उपन्यास लिखने वाले पहले लेखक हैं। टोटो के सभी लोगों को प्रणाम। मुझे केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि टोटो की नई पीढ़ी के बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। टोटो समुदाय की कई चीजें विलुप्त हो रही हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करना चाहता हूं और एक संग्रहालय बनाना चाहता हूं। मैंने बांस की टोपी पहन रखी है, ये अब उपलब्ध नहीं है। लड़कियों के कपड़े, जिन्हें हमारे यहाँ गप्पू कहा जाता है, लड़कियों द्वारा हाथ से बनाए जाते थे, अब वे बाजार से खरीदे हुए कपड़े पहनती हैं। अब उन्हें कोई नहीं बना सकता। धनीराम अपने समुदाय के ऐसे तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने माध्यमिक तक की शिक्षा ग्रहण की। घोर अभाव के बीच उन्होंने शिक्षा हासिल की और शिक्षा का महत्व समझते हुए अब टोटोपाड़ा के बच्चों के लिए अपने खर्च पर शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। मातृभाषा से एक व्यक्ति की पहचान होती है, इसे समझते हुए इसके संरक्षण के लिए धनीराम ने सॉफ्टवेयर टूल के रूप में टोटो के लिए एक यूनिकोड फॉन्ट बनाया, दो शब्द कोश लिखे। टोटो भाषा से अन्य जन को जोड़ने के लिए कार्यशाला और सेमिनार भी आयोजित करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में पद्म पुरस्कारों के लिए बहुत अनुसंधान और ध्यान से चयन होता है, जिसके अंतर्गत टोटो भाषा के लिए श्री धनीराम को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टोटो जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में धनीराम जी ने बहुत परिश्रम किया है। उन्होंने उसकी व्याकरण और लिपि को बचाने के लिए लेख लिखे हैं, तो उपन्यास लिखे हैं जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतना काम किया और वो आगे भी करते रहेंगे। धनीराम की चिंता है कि तरक्की की दौड़ में कहीं उनकी जनजाति अपनी भाषा और संस्कृति को भूल ना जाए। अपनी जनजाति के कुछ युवाओं के साथ बुजुर्ग धनीराम टोटो आज अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने में लगे हुए हैं। टोटो भाषा के संरक्षक धनीराम टोटो को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई।